क्वेश्चन है, ये एक लैडर वाली प्रॉब्लम है। हमने जो लैडर की प्रॉब्लम की थी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की, उसके अंदर मैन यहाँ बैठा था, याद करो, बंदा बैठा था और लैडर ऐसे फिसलती थी, तो एक्सिस कहाँ से पास करता था? यहाँ से। अभी भी ऐसे ही है, एक्सिस यही है, लेकिन यहाँ पर एक मैन नहीं है, यहाँ पर एक वेट टंगा हुआ है। इस लैडर के यहाँ एक वेट है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में होता क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। तो आपको एक क्वेश्चन में क्या निकालना है, लेंथ आपको पता है, ए सी और ए बी की लेंथ 1.6 मीटर है, डी ई की लेंथ गिवन है 0.5 मीटर, और ये मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट का मतलब अगर ये 1.6 है तो ये 0.8 है, 40 केजी का वेट है गिवन है, 40 जी वेट गिवन है, और 1.2 मीटर फ्रॉम बी, तो बी पॉइंट से इसकी दूरी क्या है, बी पॉइंट से इसकी दूरी 1.2 मीटर गिवन है। एज्यूमिंग जो फ्लोर है फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है, ये धागे ने, स्ट्रिंग ने इसको बांध के रखा हुआ है, फाइंड टेंशन इन दी रो, टेंशन निकालनी है। तो अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, तो डायग्राम समझ में आ रहा है, देखो डायग्राम कैसे बनेगा, एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन एन बी, एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन एन सी, धागे के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या है, टी एन टी, वेट क्या है, डब्ल्यू, राइट। वैल्यूज जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं। पहली चीज ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नीचे की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्सेस, ऊपर की फोर्सेस क्या है, एन बी प्लस एन सी, और नीचे की फोर्स क्या है, डब्ल्यू। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एन बी प्लस एन सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, गुड आउट है इसमें। दूसरी, एक तो ये फोर्स इक्वेशन आएगी, नेक्स्ट है, अब क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं एन बी एन सी और टी, तो कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए, तीन, तो पहली तो बन गई। दूसरी क्या बनेगी, लेफ्ट लैडर की टॉर्क की इक्वेशन, इस लैडर के इस पार और इस पार फोर्सेस क्या हैं, इस पार फोर्स है एन बी और इधर क्या है, डब्ल्यू और टी, तो इसका टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू, इन दोनों का टॉर्क इक्वेट करेंगे, ऐसे ही करवाया था, इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क इक्वेट करेंगे, तो कैसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एन बी एन ऑफ बी इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है, बी एल, तो एन ऑफ बी इन टू बी एल इसका टॉर्क हो गया। अब W का टॉर्क क्या होगा, W की फोर्स इधर है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, ये, और ये का मतलब क्या है, JL, तो क्या बनेगा, W इंटू कितना, JL, W इंटू JL। फिर ऐसे ही टेंशन का टॉर्क क्या बनेगा, T इस तरफ है राइट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, AG, तो T इंटू AG, तो यानी कि NB का टॉर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू का टॉर्क प्लस टी का टॉर्क, एक इक्वेशन और तैयार हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट इक्वेशन क्या तैयार होगी, राइट लैडर की, राइट वाली लैडर की एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये फोर्स एन ऑफ सी है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है, एल सी, तो एन सी इंटू एल सी टॉर्क है, और इसका टॉर्क क्या है, टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच, इक्वेट कर लेना। तो लंबी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इसलिए हटा दी शायद, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ऐसी मैंने दो इक्वेशन और बनाई, सारे डिस्टेंसेस गिवन है, सॉल्व करके आंसर आएगा, हालांकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए ना आए मैं कह नहीं सकता, बट पॉइंट ये है कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसमें लॉजिक क्या लगने वाला है, इसमें वही लैडर वाली सेम प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी आपने की, पर क्लास में करना क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन ज़्यादा हैं, लंबी कैलकुलेशन हैं, तो हम उन क्वेश्चन को अभी करेंगे जो क्लास में सॉल्व हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो 4, 2, 3 मैंने हटा रखा है, आपकी शीट में होगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपनी क्लास में किया हुआ है, यहाँ भी फ्रिक्शन लैडर में, यहाँ भी फ्रिक्शन, ऑलरेडी डन, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के अंदर होगा, और यह भी हो सकता है, यह भी कभी हो सकता है, बोलो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा, अगर आप फोर्सेस स्पीड ड्रॉ करेंगे तो मार्क करें इसका क्या आंसर, मार्क करते हैं।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज इसमें फोर्सेस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। पहली फोर्स आपको एक लैडर गिवन है और ये यहाँ लीन कर रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा सेंटर ऑफ मास हियर, तो आपको निकालना है व्हाट इज टॉर्क अप्लाइड अबाउट लैडर सेंटर ऑफ मास। अबाउट सेंटर ऑफ मास समझते हो कि एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ मास है। वैसे एक्सिस कॉर्नर होता है पर वो क्या कह रहे हैं, अबाउट क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस मानते हैं। अब किसका टॉर्क निकालना है, नॉर्मल फोर्स का एफ एन एग्जर्टेड बाई दी ग्राउंड। तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, इसके अंदर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल फोर्स है, इसको वो एन की जगह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या है, इसकी नॉर्मल फोर्स है। इसका वेट क्या है, एम जी। तो अगर लैडर की लेंथ एल है तो आधी लेंथ क्या बनेगी, एल बाय टू, एल बाय टू। अब एक्सिस क्या लेना है, ये लेना है क्योंकि उसने बोला अपना क्वेश्चन अबाउट सेंटर ऑफ मास करना है। नॉर्मल फोर्स ने कितना टॉर्क लगाया, नॉर्मल फोर्स है कितनी, इतनी है। और ये एक्सिस क्या है इसका, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस में अगर फोर्स है तो डिस्टेंस क्या लेना है, अबाउट एक्स एक्सिस। तो टॉर्क क्या बनेगा, एफ ऑफ एन। टॉर्क बनेगा एफ ऑफ एन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि क्या होगा, अगर ये एल बाय टू है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है, एक्स अपॉन एल बाय टू। तो एक्स क्या बनेगा, एल बाय टू साइन 90 बाय टू। तो टॉर्क क्या बनेगा, एफ ऑफ एन इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जो कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल बाय टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। आंसर मार्क कर लेना, आंसर ये ऑप्शन। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को। तो जो फोर्स पूछी, जिसका टॉर्क पूछा, वो ये है, ये फोर्स है। और एक्सिस क्या है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो डिस्टेंस इसका कहां से निकालना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो मार्क कर लेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ, कैसे सही है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि ए सही है, लग रहा है उनको ए। देखो इसका आंसर ए है। कई लोग मुझे दूसरे बैच में बोले कि आंसर ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये लोग, नहीं मैंने तो ये क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, मुझे याद नहीं। मैं मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास ये रहा इस पेन का, ये लैडर का, जब ये नीचे गिरेगी तो वो कहते हैं सेंटर ऑफ मास तो नीचे आ रहा है, तो ये ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों है, क्योंकि क्योंकि नहीं, पर ऐसा क्यों है, ये ऐसा गोल के घूमेगा, क्योंकि लैडर ट्रांसलेशन मोशन में भी है, फ्रिक्शन नहीं है ना, तो लैडर रोटेशनल में तो है ही है, लेकिन लैडर फिसल भी रही है इधर। तो सोचें अगर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे क्यों नहीं है, मान लो नीचे इसलिए नहीं है क्योंकि लैडर जब खिसकेगी तो यहाँ गिरेगी, सुनो तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रह गया और लैडर यहाँ चली गई, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास भी लैडर के बीच में जाएगा, तो ये आंसर बनेगा। ठीक है यहाँ तक, इस क्वेश्चन का आंसर क्यों ए होगा, ए तो होगा, क्यों ए क्यों होगा, बी और सी में क्या प्रॉब्लम है, क्या रस्सी ऐसे बन नहीं सकती। इसका आंसर मैथमेटिकली ये क्यों है, क्योंकि मैथमेटिकल आंसर है ना, ये मत कहना कि ऐसा लग रहा है,
मैथमेटिकल, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? हाँ टेंशन होगी, ठीक है, टेंशन तो इनमें भी है, इनमें प्रॉब्लम है, टेंशन इनमें भी आएगी। लेंथ सबसे कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। लंबा तो लंबी रस्सी से क्या होता है, छोटी रस्सी लगा लो, स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। भाई ये रॉड टूटेगी कहाँ से? यहाँ से। अगर आपने भार ज़्यादा लगा दिया लैंप का भी और वेट का भी, वेट ऑफ द रॉड एम जी है, लैंप का भी डब्ल्यू वेट है, टूटेगी कहाँ से? यहाँ से उड़ जाएगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि रॉड का क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो ये वाला वेट इसको ऐसे घुमाएगा, ये वाला वेट भी इसे ऐसे घुमाएगा। अब आपको एक ऐसी फोर्स चाहिए, टेंशन टी, जो उल्टा टॉर्क जनरेट करे। अब टॉर्क के लिए एक्सिस है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इसमें होगा, इसलिए इसका टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा, जो इनके टॉर्क को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। अगर ये डिस्टेंस लेंगे टॉर्क कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, इसलिए ये आंसर होगा। ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो टॉर्क, उल्टा टॉर्क उतना ही ज़्यादा हो और ये टूटना चाहे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में चाहिए ये। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा क्यों होगा? सेवन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये रहा, स्टडी मजबूत लिखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, कितने लोगों का आंसर सी आ गया वैसे? अच्छा ठीक है, इसका आंसर देते हैं। एक रॉड है, डब्ल्यू वेट की रॉड है, ठीक है, दो नाइफ है, हमने किया था नाइफ वाला क्वेश्चन, नाइफ पे टिका के रखा, मैंने बोला नाइफ पे टिका के ऐसे घूम ना जाए, सेम क्वेश्चन है। तो एक नाइफ ऐसे लगा होगा, जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा रहा होगा, एन ए। एक नाइफ यहाँ लगा होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा रहा होगा, एन बी। इस नाइफ का वेट क्या है, डब्ल्यू, ये रहा, सेंटर ऑफ मास पे है। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, एक्स दूरी पे है। तो अगर ये एक्स है तो टोटल लेंथ अगर डी है तो ये कितना है, डी माइनस एक्स है। आपको एन ए एन भी निकालना है, क्या होगा, ठीक, क्योंकि इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। तो पहली इक्वेशन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या बनेगी, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू, पहली इक्वेशन, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, टॉर्क में क्या होगा, एन ए इंटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो एन ए इंटू क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एन बी, एन बी इंटू कितना, डी माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर टू। एक काम करो, इन्हें सॉल्व करो और चेक करो एन ए की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, वो एन ए पूछ रहे, ए पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, एन ए चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा।
आंसर तो सॉल्व करके एन ए की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी ही आ रही है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले पॉइंट को समझते हैं। कार वेट 1800 केजी, 1800 केजी की कार है। आगे देखो, डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एक्सेल, ये एक्सेल क्या होता है, एक रॉड जो दोनों को कनेक्ट करती है। तो डिस्टेंस ये फ्रंट टायर्स हैं, ये पीछे के टायर्स हैं बैकवर्ड एंड फ्रंट। तो दोनों टायर मिलकर नॉर्मल रिएक्शन एन एफ देते हैं, यहाँ पर दोनों टायर नॉर्मल रिएक्शन क्या देते हैं एन बी। आगे और पीछे का हिस्सा कार का एन ए एन बी रिएक्शन फोर्स देता है। वेट क्या है इसका डब्ल्यू, और वेट और एक्सेल के बीच में डिस्टेंस कितना है 1.8 मीटर ये रहा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंटर ऑफ वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पर पूरा वेट पड़ा हुआ है बॉडी का, सेंटर ऑफ मास ही होता है। तो ये दूरी कितनी है 1.05, तो बचा हुआ कितना है 0.75। तो ये केस है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ लेवल ग्राउंड ऑन ईच व्हील, फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। कितनी फोर्स पहले आगे के व्हील्स पे लगी और कितने पिछले व्हील पे लगी ये बताना है, यानी कि एन ए एन बी तो निकालना पड़ेगा। पहली क्वेश्चन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, एन ए प्लस यानी कि ये और ये इन दोनों का सम वेट के इक्वल, वेट कितना 1800 इंटू 9.8, तो ये दो एक इक्वेशन आती। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एन एफ इंटू 1.05 इक्वल टू एन बी इंटू 0.75। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आ गया। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से सेकंड इक्वेशन, वन एंड टू सॉल्व करके आपके पास एन एफ और एन बी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, एन एफ और एन बी आ गया। तो एक इक्वेशन ट्रांसलेशन की, एक इक्वेशन रोटेशन की, कोई डाउट? अब इसमें उसने ये नहीं पूछा एन एफ और एन बी निकालो,
उसने ये पूछा कि फोर्स एग्जर्टेड बाय अ ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील, फ्रंट के व्हील कितने होते हैं कार के, दो, और ये NF जो निकला वो दोनों टायर्स का निकला, ईच व्हील का मतलब इसको एंड में डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, टू, F को भी और B को भी, फ्रंट में भी दो टायर है एंड में भी दो टायर हैं, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन को दो से डिवाइड करेंगे तो पर टायर आपके पास आ जाएगा आंसर, ऐसे आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक आंसर कैसे मार्क करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ईच व्हील का मतलब क्या हुआ इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्या क्वेश्चन है? एक टी शेप, ये देख रहे हो एक टी शेप फिगर है, एक एल रॉड है एक टू एल रॉड है, दो रॉड्स हैं एल और टू एल, टी शेप है, और ये ना स्मूथ फ्लोर के ऊपर पड़े हुए हैं, तो ये ना ऐसे फिगर नहीं है, ये ऐसे फिगर है, टी ऐसे पड़ा हुआ है फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, फोटो ऐसे है तो टी ऐसे पड़ा है, तो मान लो मेरे हाथ पे ये टी पड़ा है ऐसे, ठीक है ये टी है। वो ये कह रहा है कि मैं फोर्स एफ लगाना चाहता हूं ताकि ये बॉडी ट्रांसलेट तो करे, ट्रांसलेट तो करे, ओनली ट्रांसलेट करे, रोटेट ना करे। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई रॉड ऐसे पड़ी हो और मैं ऐसी फोर्स लगाऊं तो कभी कभी क्या होता है ये घूम भी सकती है और ये आगे भी जाती है। देखो करके देख लो, टेबल आप पेन लो, ज्यादातर केस में ये आगे भी जाएगा पेन और घूमेगा भी, लेकिन एक केस में ये सिर्फ आगे जाएगा घूमेगा नहीं, कब, जब मैं फोर्स कहां लगाऊंगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि अगर मैंने फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाई तो एक्सेस कहां से पास करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, और अगर फोर्स भी उस सेंटर ऑफ मास पे एक्सेस पे लग गई तो टॉर्क क्या जनरेट होगा, जीरो, टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ही आप सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हो, तो और सेंटर ऑफ मास पे कौन सी मोशन होती है हमेशा, ट्रांसलेशन, ये भी डिस्कस किया था, ऐसे किया था हमने, तो सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगेगी तो ये ट्रांसलेट करेगा। तो आपको यही बताना है कि बताओ लोकेशन ऑफ ये पी क्या हो, जहां मैंने फोर्स बताई, पी पॉइंट कहां पर लाई करेगा, कहां से, विद रिस्पेक्ट टू सी। तो विद रिस्पेक्ट टू सी का मतलब कि हम सी को क्या मानेंगे, ओरिजिन, तो हम ये मानेंगे सी क्या है हमारा, ओरिजिन। तो क्लियर है यहां तक, तो सी को ओरिजिन मान लेते हैं, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, फोर्स मैंने कहां पे लगाई, पी, पी पॉइंट की लोकेशन बताएं सी से क्या होगी, सेंटर ऑफ मास ढूंढने, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ढूंढने, पहला रूल बताओ, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, इन दोनों सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास ये होगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, तो अपने को तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढने, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताओ, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2L,
तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 2l। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, l, क्योंकि टोटल लेंथ 2l है, तो आधी लेंथ क्या है, l। क्लियर है यहां तक? अगर इस ऊपर वाली रॉड का मास m है, तो ये रॉड का मास क्या होगा, 2m, क्यों, लेंथ डबल है, और रॉड में मास इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ, अगर लेंथ डबल करेंगे तो मास भी डबल हो जाएगा। अब एक काम करो, आप इसको लो m1, इसको लो x1, इसको लो y1, इसको लो m2, इसको कंसिडर करो x2, इसको कंसिडर करो y2। निकालना जरा y सेंटर ऑफ मास, क्योंकि y एक्सिस पे लाई करेगा, लगाओ फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2, करो सॉल्व, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आ गया आंसर, 4l बाई 3, क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, राइट।